मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामा करते हुए अपने तेवर से साफ कर दिया है कि आने वाले सत्र में किस तरह से उनकी भूमिका रहेगी। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा अग्निकांड सहित तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सीधी में जो आदिवासियों के साथ जो कांड हुआ था उसको लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले से ही एक रणनीति कांग्रेस ने तैयार की थी सरकार को सदन में घेरने की। और उसी रणनीति के तहत जैसे ही दिवंगतों की श्रद्धांजलि खत्म हुई है उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और आदिवासी मुद्दों पर, सीधी कांड वाले मामले पर बहस कराने की, चर्चा करने की मांग शुरू कर दी। और इसी को लेकर लगातार हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होता रहा। टोका टाकी के बीच हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। एक बार फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया और इस हंगामे के चलते निश्चित कहीं ना कहीं कार्य में बाधा पड़ रही थी, मगर अध्यक्ष ने सरकारी काम जो होता है उसको जारी रखते हुए एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा था, दूसरी तरफ सरकार अपने सरकारी कामकाज निपटा रही थी जिसमें कुछ सरकारी पत्र होते हैं उनको पटल पर रखा जा रहा था। और उसके बाद जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया तो स्पीकर ने कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। देखना यह है कि आने वाले 4 दिन जो बचे हैं उसमें किस तरह से विपक्ष की भूमिका रहती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।